नमस्कार, मैं हुराना और आप देख रहे हैं मैच बॉक्स। मैच बॉक्स पे जो वीडियो अभी दिख रहा है आपके सामने, ये गार्नेट फाउंडेशन मुंबई द्वारा चलाए जा रहे अभियान का वीडियो है। दरअसल इस अभियान को चला रहे हैं गार्नेट फाउंडेशन के डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार शाह जी और रोमियल जी। ये दोनों लोग मिल करके इस अभियान को फाइनेंस कर रहे हैं। सुरेंद्र शाह जी जो कि राजपुर के रहने वाले हैं और रोमियल जी जो कि इसराइल के रहने वाले हैं, दोनों लोग मिल करके संयुक्त रूप से रघुनाथपुर क्षेत्र के सभी गांवों में जो भी जरूरतमंद परिवार हैं, जिनके यहाँ खाने पीने की चीजों की कमी है, उसको पूरा कर रहे हैं। पूरे इलाके में एक एक घर पर जा करके सर्वे करके नाम लिखा जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, और जब जो नाम निकल के सामने आ रहा है उन तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये लोग जो बैठे हुए हैं, इनके सामने एक एक गठरी रखा हुआ है। इस गठरी में 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, तेल का एक डब्बा, मसाला, नमक, साबुन, ये सारी चीजें डाली जा रही हैं, और भी तमाम जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं जो इंसान को जीने में मदद करती हैं, वो सभी चीजें इसमें डाली गई ही हैं, सभी चीजें इसमें रखी गई हैं ताकि आप अपने घर पे सुरक्षित रहें। साथ ही संस्थान के लोग इसमें, शहीद भगत सिंह संस्थान भी, शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान भी सहयोग कर रहा है, और उसके सभी मेंबर मिलके लोगों को सोशल डिस्टेंस, साफ सफाई, साबुन से बार बार धोने, मास्क का इस्तेमाल करना इत्यादि सभी विषयों पर ध्यान से बता रहे हैं और इस अभियान को चला रहे हैं। तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा होगा कि लोग किस तरह से घेराउंदे बनाकर उस सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बैठे हुए हैं और इस अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही मैंने कुछ ऐसे भी लोगों से बातचीत की जिनको ये खाद्य सामग्री मिल रही है, वो काफी खुश हैं कि जब आज इस वैश्विक महामारी के दौर में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, सरकार तमाम बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन धरातल पर जो रिपोर्ट दिख रहा है वो कहीं ना कहीं शून्य की तरफ इशारा करता है। उस दौर में सुरेंद्र कुमार शाह जी के तरफ से और रोमियल जी के तरफ से गार्नेट फाउंडेशन मुंबई के तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है, अभी रघुनाथपुर के अलग अलग गाँव में ये अभियान चल रहा है। हालांकि योजना जो है वो है कि जिले के भी और भी गांवों में, सिवान जिले के और भी गांवों में सुविधा मुहैया कराई जाएगी जहां पर लोगों को परेशानी है, जहां पर लोगों को खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही है। तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, आपको बता दें कि कल नरहन पंचायत, बनकट, हरपुर, नरहन पंचायत में बनकट, हरपुर, नरहन, औरंगनाथपुर, मुरारपट्टी, पंजवार आदि में वहां पर खाद्य सामग्री वितरित की गई है। साथ ही आज फुलवरिया पंचायत में ढोंढाहा सुल्तानपुर, दया छपरा सुल्तानपुर, लगुसा, यहां पर जरूरतमंद परिवारों को राशन, खाद्य पदार्थ, साबुन, मास्क इत्यादि का वितरण किया गया है। और ये सभी वितरण जो किया जा रहा है, ये सुरेंद्र शाह जी और रोमियल जी के सौजन्य से, गार्नेट फाउंडेशन मुंबई के सौजन्य से किया जा रहा है। ये काम जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार किया जा रहा है। शुरुआती दौर में पहले लोगों को सोशल डिस्टेंस, साबुन से बार बार हाथ धोने, मास्क इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया, और समय के साथ जब ये दिखा कि लोग पास खाने की चीजों की कमी है, तब खाद्य सामग्री बांटनी भी शुरू की गई है। और अभी जरूरत है इन युवाओं को सपोर्ट की, क्योंकि आप अगर इनको सपोर्ट करेंगे, इनका मनोबल बढ़ाएंगे, तो ये और भी बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो इनका सपोर्ट कीजिए, इनकी सराहना कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मैच बॉक्स।